जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 24 सितंबर के लिए आज के इस वीडियो में जीकेजीएस हिंदी व्याकरण और करंट अफेयर्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के इस सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। एक और क्लास है रात 8:30 बजे, तो दोनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप सभी मार्क कर ले। चलिए आंसर बताएंगे। फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, ईगा स्वीएट ने, याद रखिएगा, ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। और अगर आपसे पूछे कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो सर्बिया से। और ईगा स्वीटेक ये पोलैंड से संबंधित है, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1884 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 1993 में। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। चलिए इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, प्रेत शिला हिल्स कहाँ पर अवस्थित है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, प्रेत शिला हिल्स कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है बिहार, याद रखिएगा, बिहार के गया में प्रेत शिला हिल्स अवस्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार। चलिए आगे देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो ये बहुत ही सिंपल है, रदरफोर्ड। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, रदरफोर्ड। जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने, यानी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे नीचे लाइव चैट में डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालमिन होता है। और साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते जाएं।
चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। चलिए आगे देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा। चलिए साथ के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। चलिए आठ के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, इससे पहले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लगभग 5 से 6 मैराथन क्लास कराए गए हैं और सभी मैराथन क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आठ का डी, होलोग्राफी। चलिए आगे देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। चलिए नौ के लिए फटाफट से आंसर बताइए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें। तो याद रखिएगा, गैस और द्रव में। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, इसको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गैस एवं द्रव में। चलिए आगे देखिए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इस प्रश्न को भी हमने आपको पहले बताया था, ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, मैथिली ठाकुर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। चलिए इस प्रश्न पर भी आप सभी स्टार मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, काकरापार, ये परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, काकरापार। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए बहुत ही सिंपल है, तो याद रखिएगा, सारनाथ में। और इसी प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, वैश्विक भुखमरी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 107वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे। और देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, IMF की स्थापना भी पूछा जा सकता है, तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आंसर कीजिए, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे कब, तो 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने। सभी को ध्यान रखें। चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है मदन मोहन मालवीय, तो याद रखना है इन्होंने BHU की स्थापना की थी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संघ की स्थापना 1876 में किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा, तो ऑप्शन में सिर्फ सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है। और यहाँ पे ए ओ ह्यूम की बात करें तो इन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी तो 20 रुपये, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो यहां से आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों याद रखना है। तो चलिए पहले की बात करें तो पहले कौन था, तो विनोबा भावे। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यह जो है 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह को, और इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे तो विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे कौन थे तो ब्रह्मदत्त, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 4 मिनट का अंतर होता है। हाल ही में DY चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। DY चंद्रचूड़ इससे पहले कौन थे, तो जस्टिस UU ललित 49वें नंबर के थे, और DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बताना है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ये आंकड़ा होता है 33+1 का, यानी कि 33 होते हैं न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बताना है, तो सही जवाब क्या होगा 33, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सही पूछे तो हो जाएगा 34, तो ध्यान रखना है। टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। टिटिकाका झील कहाँ पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों टिटिकाका झील ये अवस्थित है कहाँ पर, तो याद रखिएगा पेरू और बोलिविया में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको अभी मार्क कर लीजिए फटाफट से। विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसे भी नोट कर लीजिए, 10 जनवरी को। तो इसका आयोजन किस देश में किया गया था, तो याद रखिएगा फिजी में, यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इस आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब होती है, तो 11 अगस्त 1942 को। किस देश ने डेविस कप 2022 जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कनाडा ने, याद रखिएगा कनाडा ने जीता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है?
चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था सिल्वर आयोडाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही जवाब है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो प्यारे साथियों ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। और एक आंदोलन याद रखिएगा पंजाब से रिलेटेड है, कूका आंदोलन। पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? चलिए तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से तो होता ही है, लेकिन कौन सा मच्छर है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पैरासाइट वाले मच्छर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जनगणमन दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को, लेकिन इससे पहले झंडा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे झंडा को। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सभी डेट को ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है? देखिए याद कीजिए, हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये प्रकाश की गति से चल सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन से है? एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन में एक्स किरण दिया हुआ है। तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए, तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? समाप्त किया था बलबन ने। और शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दोनों को याद रखिए, हो सकता है शुरू वाला पूछ ले। तो तुर्कान ए चहलगान की शुरुआत इल्तुतमिश ने, समाप्त किया था बलबन ने। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये याद रखिएगा शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर। और इसका पहला मास होता है चैत्र और अंतिम माह होता है फाल्गुन। तो दोनों याद रखें, पहला और अंतिम। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है इसलिए इसको याद कर लें। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना बांकीपुर में। तो ऑप्शन में पटना दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में बांकीपुर देता है। तो दोनों को ध्यान रखिए, कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो 27वां अधिवेशन हुआ था। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था बिहार में? तो 1922 में। 1922 में दूसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और बिहार में ये था कौन सा? तो याद रखिएगा यहाँ पे 37वां, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन होता है। और बिहार में ये था दूसरा अधिवेशन। बिहार में पहला अधिवेशन पटना बांकीपुर में, बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है गया में। इन सभी को ध्यान रखें, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था लेकिन बिहार में ये दूसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पटना। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चलिए ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो देखिए विज्ञान का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होता है वी जोड़ ज्ञान। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो वी क्या है? उपसर्ग है, सी ऑप्शन। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया लेखन से, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है।
तो जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आयरिश सागर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, आयरिश सागर जो है ये ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये है लाइसोजाइम, डी ऑप्शन सही है। टर्की की राजधानी कहाँ पर है? चलिए आंसर कीजिए, टर्की की राजधानी कहाँ पर है? तो देश और राजधानी से भी कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो टर्की की राजधानी अंकारा है, और मस्कट याद रखिएगा ये ओमान की राजधानी है, मस्कट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? देखिए ILO इसकी स्थापना 1919 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसमें शामिल होने वाला 187वां देश है टोंगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है? तो तीसरी अनुसूची में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुसूची है, ध्यान रखें। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों ये पास हुआ था 1904 में। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है संस्कृति, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे बताएंगे सांस्कृतिक, ये गलत है, ना तो संस्कारी होगा ना तो संस्कृत होगा, संस्कृति का विशेषण होगा संस्कृति। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, विफलता का सफलता होगा। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता जो है ये अनुचरों से किया गया है। विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, विद्वान का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इटली की राजधानी रोम में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, याद रखिएगा। देखिए ब्रिटेन में जो है यहाँ से लिया गया है नागरिकता के प्रावधान को लिया गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका की बात करें वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो देखिए राइबोसोम की अब्सेंट में बोला जा रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी ऑप्शन सही जवाब है।
मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो साथियों, मांग के लिए आवश्यक तत्व है क्या? तो वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साध्य, व्यय करने की तत्परता। सही है यहाँ पर सभी। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये होता है कितना? तो 6 वर्ष, याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले पूरी हो जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो साथियों, केंद्रीय सरकार का उच्चतम रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? देखिए, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। और रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। चलिए, आखिरी प्रश्न मैथ्स के प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, तो इस प्रश्न को आप लोगों को ही सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर सॉल्व ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा। ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए। आयु होगा, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 40। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।